बस्तर संभाग के मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ अपने दो सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे सभी शासकीय काम बंद पड़े हुए हैं। जगदलपुर के कृषि उपज मंडी में बैठे सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग पूरी नहीं की है। कर्मचारियों का कहना है कि शासन जल्द ही मांग पूरी नहीं करता तो पंचायतों में जॉब कार्ड वाले मजदूर दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम लोग यहाँ से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी दो सूत्री मांग है, एक तो जो जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया था उसको पूरा करिए, और दूसरा हमारे रोजगार सहायक और सभी के ऊपर ग्रेड पे निर्धारण करने का काम करेंगे, और 1966 का जो पंचायत नियमावली है उसको लागू करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। लगभग हमारे बस्तर जिले से 450 लोग हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से हमारे नेतृत्व में लगभग 1 से 1.5 लाख से 1.5 लाख के बीच में जो मजदूर काम करते हैं वो पूरा काम प्रभावित हो रहा है। सर, हम लोग का हड़ताल में जाना है, जो जितना भी जन कल्याणकारी योजना ग्राम पंचायत नरेगा के माध्यम से चलता है, जैसे कुआं डबरी तालाब हो या भूमि सुधार का काम हो, ये जितना भी जन कल्याणकारी योजना है जो गांव के एक जाप कार्डधारी परिवार के लिए जो एक परिसंपत्ति तैयार करके देते हैं, वो सब काम प्रभावित हुआ है सर। और उस हमारे गाँव में जितने पंजीकृत हमारे परिवार हैं, लेबर है, सबको हम लोग रोजगार देते थे, वो लोग आज के डेट में खाली बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर सरकार हमारा मांग मानने में अगर लेट करती है तो जाहिर सी बात है गांव के मजदूर जो पंजीकृत परिवार हैं वो लोग दूसरे गांव में या दूसरे देश राज्य में पलायन कर सकते हैं। कि हम लोग यहां 4 तारीख